नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ट्वेल्थ बायपार्टाइट के डिजिटल इश्यूज वगैरह तो अभी सेटल धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन ना जो 26 तारीख की मीटिंग थी उसमें कोई विशेष प्रोग्रेस तो नहीं हुई, परंतु तो कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसमें कि आगे कुछ इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है। जैसे कि आपको मालूम है कि स्टेट बैंक का हर बायपार्टाइट के साथ कुछ स्पेशल अरेंजमेंट अलग से करते हैं और वो बाइपार्टाइट से थोड़ा सा ऊपर होता है। इस संबंध में आज ही स्टेट बैंक के कॉरपोरेट सेंटर द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कि ऑफिसर्स को स्पेशल पे देने की इंस्ट्रक्शंस हैं। ये स्पेशल पे कितनी होगी, कौन कौन एलिजिबल होंगे और ये कब से मिलेगी, ये सब चीजें जानने के लिए मैं पॉइंट वाइज आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्पेशल पे का प्रोविजन किया गया है वो केवल परमानेंट ऑफिसर्स के लिए है। कोई पार्ट टाइम या जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑफिसर्स हैं उनके लिए लागू नहीं होगा। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कम से कम 16 साल की सर्विस होगी तो उनको 4,000 रुपये पर मंथ स्पेशल पे मिलेगी, और 24 साल की सर्विस पूरी होने पे 8,500 और एडिशनल मिलेगा। कुल मिलाकर के 12,500 स्पेशल पे दी जाएगी ऑफिसर्स को। इसमें कोई ग्रेड वाइज नहीं है, स्केल वाइज नहीं है, ये सारे ऑफिसर्स को एक जैसे ही मिलेगा। इस स्पेशल पे पे DA HRA भी मिलेगा और ये स्पेशल पे सुपर एनुएशन बेनिफिट के लिए भी एलिजिबल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जब ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन होगा और पेंशन की कैलकुलेशन होगी तो ये स्पेशल पे उसके साथ जुड़ेगी, और साथ ही जब लीव इनकैशमेंट इत्यादि का अमाउंट जोड़ा जाएगा तो वो लास्ट ड्रॉन सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट होगा, जिसमें कि स्पेशल पे भी शामिल होगी। दोस्तों, ये स्पेशल पे इनकम टैक्स के लिए भी शामिल की जाएगी, जैसे कि नॉर्मल पे एंड अलाउंसेस शामिल किए जाते हैं, तो इसमें इनकम टैक्स पेबल होगा क्योंकि ये एक किस्म से सैलरी का ही पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि ये सुपर एनुएशन बेनिफिट के लिए भी एलिजिबल है, तो पेंशनर और रिटायरीज के लिए भी वो इक्वली अप्लीकेबल होगा। दोस्तों, इसमें जो सर्विस का पीरियड कैलकुलेट होगा वो कंप्लीट इयर्स होने चाहिए, 16 साल और 24 साल, इसके बाद ही ये एलिजिबल अमाउंट उनको दिया जाएगा। अगर किसी ऑफिसर का कोई सर्विस पीरियड शामिल नहीं किया जाता तो वो पीरियड उसमें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा स्पेशल पे के एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त। ये स्पेशल पे 1 अगस्त 2024 से दी जाएगी। तो ये जो प्रोविजन किया गया है ये स्टेट बैंक के प्रोविजंस के साथ है। अभी और PSU बैंक के लिए शायद अभी लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टेट बैंक की ही स्पेशल अरेंजमेंट है। अगर अन्य PSU बैंक इसी प्रकार के डिमांड करेंगे तो इसके लिए IBA अलग से इंस्ट्रक्शंस जारी कर सकता है, और जब तक इसमें कोई एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती तब तक अन्य PSU बैंक में शायद ये लागू ना हो। तो दोस्तों, स्टेट बैंक के ऑफिसर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और ये एक अच्छी शुरुआत की गई है स्टेट बैंक द्वारा, क्योंकि ऑफिसर्स के जो ड्यूटी आवर्स हैं वो काफ़ी अनलिमिटेड हो गए हैं। कई बार तो उनको हॉलीडेज पे भी काम पे जाना पड़ता है और डेली एक्सटेंडेड आवर्स में तो काम करते ही है विदाउट एनी ओवर टाइम और एनी टाइप ऑफ द कंपनसेशन। तो ये एक ऑफिसर्स के लिए अच्छा इंसेंटिव स्टेट बैंक द्वारा शुरू किया गया जो कि स्वागत करने योग्य है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो इसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल इंटरेस्ट से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या अन्य किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।